गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं राकेश सोलंकी, सरदार पटेल खेतीबाड़ी, और मैं आज आपके सामने लाइव हिंदी कक्षा एक में विषय हिंदी। और उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यदि हम किसी भी कोई भी चीज हमारे संकट में आती है, जैसे कि उदाहरण तरीके ले लीजिए कि आज एक विश्व पूरी जो कोरोना नामक वायरस है उसके लपेट में झपेट में है, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसका कोई निराकरण नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसे संकटों में किसको याद करते हैं? केवल एक ही को याद करते हैं, वो है भगवान। भगवान ही है जो सब कुछ कर सकता है, मार सकता है, तार सकता है, जो भी है उसके हाथ में। कोई भी संकट हो, यदि हमारे जीवन में कोई भी संकट आए या बल आए, कोई प्रेत आए, तो हम केवल पहले भगवान को याद करें। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भगवान, अगर कोई हमारे समस्या आ गई है तो हम केवल पहले भगवान को याद करेंगे, फिर बाद में उस समस्या का हल ढूंढेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर वैसे ही भाव को व्यक्त करते हुए हम यहाँ पर सर्वशक्तिमान जैसे भगवान को हम कब याद करते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं कि आप देखिए, यहाँ पर तेरी है जमीन जो है हिंदी कक्षा में पहला इकाई पहली, उसमें देखिए वो प्रार्थना गीत है केवल भगवान के लिए। वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि तेरी है जमीन, यहाँ पर दिखाई दे तेरी है जमीन, मतलब हमारा कुछ नहीं है, जमीन तेरी है, यानी कि यहाँ पर सर्व सृष्टि में जितना भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं, तुम्हारे आगे हम कुछ भी नहीं है। उस भाव को प्रकट करते हुए जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन कहते हैं कि भगवान करते हैं। तो यह भाव को प्रकट करते हुए हम यह काव्य लेके आए जिसको हम प्रार्थना गीत में हम उनकी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं सुबह मन की शांति के लिए, उमंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि तेरी है जमीन। यह काव्य के सेंटेंस से ही पता चलता है कि तेरी है जमीन, यानी कि हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि तेरी है जमीन काव्य में, आप यहाँ पर आपके पास कहीं किताब भी नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी है कविता, आप देखिए पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कि हम पहले तो ये कहना चाहेंगे कविता हो उसे पद्य कहते हैं और जो पाठ होता है उसे गद्य कहते हैं। यहाँ पर हम पद को लेकर आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है उसका सही तरीके से गान आरोह अवरोह के साथ करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये भी एक साहित्य का एक कोष रहा है। जैसे कि तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से हमें यह जानना मिलते है कि तेरी है जमीन तेरा आसमां, कहते हैं तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। यानी कि है भगवान ये जमीन भी तुम्हारी है, जैसे कि जमीन का हमने समझा थी यहाँ पर देखा है, देखिए जैसे कि जमीन तो उसको अलग अलग कैसे दूसरे अनेक आर्थिक में दिखाया जाता है, जैसे कि जमीन को जमीन धरती वसुंधरा पृथ्वी अवनी क्षिति धरती भूमि धरा या भू और मिट्टी आदि के नाम से हम जमी को जान सकते हैं। याद रखना ये सभी जमी के अनेक आर्थिक है, उसके अनेक अर्थ है। और देखिए जैसे कि तेरी है जमी तेरा आसमान, आसमान यानी कि आसमान का समानार्थी हम देखेंगे यहाँ पर कि आसमान यानी कि आकाश अंबर गगन व्योम अमृत अनंत और अग्र, यह आसमान के सभी अनेक कार्य है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। कि आसमान को केवल एक ही नाम से नहीं पहचाना जा रहा, आकाश से नहीं केवल या फिर अनंत से नहीं अमृत से नहीं, लेकिन यह सब उसके नाम है। जैसे कि तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बड़ा मेहरबान, मेहरबान यानी तू दयावान है, यहाँ पर देखिए मेहरबान
तू बड़ा दयावान है, कृपालु है, तू दयालु है ईश्वर मेरे भगवान, तू क्या है? कृपालु है, दयालु है। क्या बताया गया कि तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर आसमान, तेरी जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। बख्शीश करने का मतलब है हमारे पाप, हमारे दोष, हमें जो भी दुर्गुण है उसको बख्श देने की बात करते हैं यहाँ पर, कि बख्शीश करना यानी माफ करना। इस तरह से हम कहा जाए कि दूसरे अर्थ में बख्शीश यानी एक प्रकार से उसको भेंट भी कहा जाता है, और उपहार जैसे कि हम किसी को भेंट देते हैं उसे भी बख्शीश कहा जाता है, बख्श देना, माफ कर देना। और दूसरे अर्थ में देखा जाए उसे भेंट भी कहते हैं और उपहार कहते हैं। आगे बढ़ते तो सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर, सभी तेरे है, यानी जो भी मनुष्य जीव सृष्टि में जो भी लोग है वह सभी तेरे है। जैसे कि शून्य में से सर्जन करने वाला कोई नहीं और केवल तू है भगवान, तो खुदा मेरे, खुदा यानी भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, हरि, स्वामी, मालिक, आदि आदि नाम से हम मालिक यानी भगवान को संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि खुदा को हमने यहाँ पर संबोधित किया है कि सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर, यानी इस काव्य की पंक्ति के द्वारा हमें यह कहना चाहते हैं कि तेरी है जमीन तेरा आसमान, यानी तेरा सब कुछ है यहाँ पर, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। सभी का है तू यानी हम सब, सभी का है तू, सर्व सृष्टि में जितने भी जीव लोग है उसका है तू, सभी तेरे, सभी लोग जो भी मनुष्य हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है वो तेरे है, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर, यह सेंटेंस हमें यह सिखाता है। अगले देखते हैं हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, इस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। देखिए यहाँ पर दूसरी काव्य पंक्ति में यह कहा गया है कि तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से यानी तेरी इच्छा से, यहाँ दिखाई देता आपको कि मर्जी यानी उसकी इच्छा से, खुदा की यानी भगवान की मर्जी से, मर्जी से, कृपा से, उनकी मेहरबानी से, ए मालिक, मालिक यानी कि यहाँ पर भगवान को संबोधित किया गया है कि ए मालिक तेरी मर्जी से, ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तुम्हारी इच्छा से हमने यह संसार में पैर रखा है, तेरी रहमत से, रहमत तेरी कृपा दृष्टि से, रहमत यानी तेरी कृपा दृष्टि से हमारे पर तुम्हारी कृपा दृष्टि हुई, जिसके कारण हम सबने ये जिस्म और जा पाए है, तुम्हारी मेहरबानी से हमने ये जिस्म यानी शरीर, जिस्म को हम कह सकते हैं कि शरीर, काया, देह, तन आदि नामों से उसको जाना जाता है, जिस्म यानी हमारा शरीर जो है वह काया देह जो है मरने के बाद निर्जीव हो जाती है, जिस्म और जा पाए है, तू अपनी नजर हम पर रखना है, खुदा या भगवान या ईश्वर जो भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी अपने भगवान के जैसे भी पूछते हैं, वो सभी लोग कोई भी काम हो तो भगवान को याद करते हैं, हे मालिक तू अपनी नजर हम पर रखना, जो भी है सुख दुख में है हम उसकी नजर, हमारा ख्याल तुम्हें रखना है, क्योंकि तू ही है जो हमें संकटों से निकालने वाला है, वह प्रार्थना यहाँ पर की गई है। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रख, यानी कि हम लोग किस हाल में है, हाल यानी जो भी परिस्थिति हमारे सामने होती है, जैसे कि हम देख लेते हैं अभी का उदाहरण, हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस की अभी की स्थिति कैसी है, हम इसी समय हम भगवान को याद करते हैं, भगवान अभी तू करेगा वही है, हम लोग तेरे आगे कुछ नहीं है, हम तो केवल एक मिट्टी के पुतले है तुम्हारे सामने और कुछ नहीं, तू चाहे तो हमें क्या नहीं कर सकता। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमीन
तेरा आसमां, तू है बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश दे सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। इससे ज्यादा हम इस दोनों में देख लिया। अभी तीसरे में देखेंगे इस पंक्ति में कि यहाँ पर हमको प्रार्थना गीत में क्या जानने को मिलता है। जैसे कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े है आज हम सारे, वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। इसका मतलब यह यहाँ पर यह कहा गया है कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें रख सकता है पृथ्वी पर हमें जिंदा, या तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें मारे यानी तू हमें मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस प्रार्थना कार्य प्रार्थना गीत में यह कहा गया कि तू चाहे तो हमें मार सकता है, तू चाहे तो हमें तारने वाला और मारने वाला, तू दोनों ही एकद है। तेरे आगे झुका के सर, तुम्हारे आगे हम जैसे वंदन करते, कोई मंदिर में जाते हैं जैसे यहाँ पर फोटो लगी है, उठो जागो ध्येय प्राप्ति के लिए मन लगे रहो, जैसे स्वामी विवेकानंद हम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति माना जाता है, जैसे कि उनका उनकी सोच उनका दिमाग, और हम भगवान के मंदिर में जैसे उनको नमन करते हैं वैसे ही तेरे आगे झुका के सर, यानी सभी लोग जो सृष्टि में है वो सभी लोग तुम्हारे आगे झुका के सर खड़े है आज हम सारे, यानी पूरा जगत पूरा संसार तुम्हारे सामने आज हाथ झुका कर फैला कर खड़ा है, वो सबसे बड़ी ताकत वाले यानी सर्वशक्तिमान सर्वोपरि जो है व्यक्ति वह भगवान, वो सबसे बड़ी ताकत वाले जो ताकत वाला है यहाँ पर वो कहा गया है कि सबसे बड़ी ताकत वाला यहाँ पर ईश्वर बताया गया है, भगवान बताया गया है, तो उसको संबोधित करते हुए वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले यानी कोई भी मुश्किली, तू अगर चाहे तो कोई भी मुश्किली यानी आफत यानी मुश्किली टाल सकता है यानी दूर कर सकता है। और इसके एंड में हम देखेंगे कि तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे अपराधों को माफ कर, क्षमा कर हमें, हमने जो भी गलती की है। इसी के दौरान नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।